YouTube चैनल अद्भुत शब्द बान पर उपस्थित समस्त श्रोताओं का, भक्तों का और सब्सक्राइबर बंधुओं का एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। श्रोताओं, आज के वीडियो में मैं आपको एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के उपस्थित हुआ हूं और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि मन्वंतर कितने होते हैं और इन मन्वंतरों के मनु कौन कौन से हैं। तो आइए श्रोताओं, आज हम जानते हैं कि कितने मन्वंतर हैं, उनके कौन कौन से नाम हैं और उनके मनु कौन कौन से हुए। तो श्रोताओं देखिए, लगभग सभी पुराणों में कालगणना की गई है और कालगणना देखिए कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है क्योंकि इसकी कुछ प्रणाली होती है गणना करने की, परंतु जो हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में इसकी प्रणालियां दे रखी हैं उसके अनुसार ब्रह्मा के एक दिन में एक कल्प होता है। ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष है और ब्रह्मा के एक दिन में एक कल्प बीत जाता है। जी हां श्रोताओं, और एक कल्प में 14 मनु समाप्त हो जाते हैं। एक कल्प के समय को 14 मन्वंतरों में विभाजित किया गया है। देखिए श्रोताओं, 14 मन्वंतर मैं आपको लेकर के उपस्थित हुआ हूं जो इस प्रकार से हैं। जो पहला मन्वंतर है, पहला मनु है, वो है स्वयंभव मनु, और स्वयंभव मन्वंतर के अधिपति थे ये। और इनके समय में देखिए, पहले मन्वंतर में स्वयंभव मनु हुए थे और इनके समय में सप्तऋषि भी अलग थे। सप्तऋषि थे मरीचि, अत्रि, अंगिरस, पुलह, क्रतु, पुलस्त और वशिष्ठ। देखिए मन्वंतरों में इंद्र, मनु और सप्तऋषि बदल जाते हैं, ये भी ध्यान रखने की बात है। जी हाँ श्रोताओं, और एक बात और कहना चाहूँगा, एक मन्वंतर में लगभग 71 चतुर्युगी बीत जाती हैं और एक चतुर्युगी में चारों युग व्यतीत हो जाते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो इस तरीके से चारों युग एक चतुर्युगी में व्यतीत हो जाते हैं। श्रोताओं, दूसरा मन्वंतर है, उसका नाम है स्वारोचिस मन्वंतर, और इसके जो सप्तऋषि हैं उनका नाम है ऊर्जा, स्तंभ, प्राण, दंतोति, ऋषभ, निश्वर और अवरिष्वर। अगला जो तीसरा मन्वंतर है वो है उत्तम। उत्तम मन्वंतर के जो अधिपति हैं मनु है, उनका नाम भी उत्तम ही है, और इसके जो सप्तऋषि हैं वो है कौकनिधि, क्रूनिधि, दलन, साख, प्रभावित, मित, सम्मित। श्रोताओं, चौथा मन्वंतर है वो तापस है। तापस मन्वंतर में जो उसके अधिपति हैं उनका नाम तापस ही रखा गया है, क्योंकि जो मन्वंतरों के नाम हैं वो उनके अधिपतियों के नाम पर ही रख दिए गए हैं। अब इस मन्वंतर के जो सप्तऋषि हैं उनके नाम हैं ज्योतिष, धाम, प्रथु, काव्य, चैत्र, अत्रि, बानक एवं पिवर। और जो पांचवा मन्वंतर है उसका नाम है रैवत, और इसके अधिपति रैवत ही हैं, और इसके जो सप्तऋषि हैं वो हैं हिरण्यवर्मा, वेदश्री, उद्रबाहु, वेदबाहु, सुधामन, परजन्य और महानुनी। जी हाँ श्रोताओं, महानुनी। और जो छठवें मन्वंतर हैं उनका नाम है चाक्षुष, और चाक्षुष मन्वंतर के अधिपति भी चाक्षुष ही हैं, और इनके जो सप्तऋषि हैं वो इस प्रकार से हैं सुमेधस, हविस्वत, उत्तम, मधु, अभिनमन और सहिष्णु, ये इनके सप्तऋषि हैं। और श्रोताओं, जो वर्तमान में चल रहा है, अब सातवां मन्वंतर चल रहा है 12 कल्प का, जो वर्तमान मन्वंतर है उसका नाम है वैवस्त मन्वंतर, और उसके मनु का नाम है वैवस्त मनु, और जो इस मन्वंतर के सप्तऋषि हैं उनके नाम भी मैं आपको बता रहा हूं, कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और भारद्वाज।
तो ये सातवां मन्वंतर चल रहा है वर्तमान में, और इस मन्वंतर का नाम है वैवस्त मन्वंतर, या इसको श्राद्ध देव भी कहा जाता है। श्रोताओं आपको ज्ञात होगा, एक चीज और बताना चाहूंगा, अभी मैंने सात मन्वंतरों के नाम ही बताए हैं, बाकी के अभी बताऊंगा। तो श्रोताओं जो भगवान श्री राम ने अवतार धारण किया था वो वैवस्त मन्वंतर में ही धारण किया था। वैवस्त मन्वंतर के 28वें चतुर्युगी के, अर्थात एक मन्वंतर में 71 चतुर्युगी होती हैं, और उसके 28वें त्रेता युग में भगवान श्री राम ने अवतार धारण किया था। क्यों? इसके पीछे भी एक तर्क है, आपने सुना होगा और रामायण में भी लिखा है कि एक बार मनु और शत्रुपा ने महान तप किया था और उसके फलस्वरूप वो दशरथ और कौशल्या बने थे, लेकिन बने कौन से मन्वंतर में थे? वो इस स्वयंभू वैवस्त मन्वंतर में बने थे। जी हाँ श्रोताओं, और एक मन्वंतर में कश्यप और दिति ने तपस्या की थी, उसके फलस्वरूप दशरथ और कौशल्या बने थे। तो ये अलग अलग मन्वंतरों की कथा और कल्पों की कथाएं होती हैं। तो श्रोताओं वर्तमान में वैवस्त मन्वंतर चल रहा है और इसी मन्वंतर में भगवान श्री राम ने जन्म लिया था, इसके 28वें चतुर्युग में, अर्थात त्रेता युग में लिया था, और वर्तमान में 28वां चतुर्युग ही चल रहा है, 28वां कलयुग चल रहा है। किसका? वैवस्त मन्वंतर का। अब श्रोताओं जो अगला मन्वंतर है उसका नाम है 8वें का सावर्णी मन्वंतर, उससे अगला है दक्ष सावर्णी मन्वंतर, और उससे अगला है 10वां मेरु सावर्णी मन्वंतर, 11वां है सूर्य सावर्णी मन्वंतर, 12वां है रुद्र सावर्णी मन्वंतर, और 13वां है विष्णु सावर्णी मन्वंतर, और 14वां है इंद्र सावर्णी मन्वंतर। तो श्रोताओं इस प्रकार से ये 14 मन्वंतर हुए, और 14 मन्वंतरों के 14 मनु होते हैं, और 14 मनुओं की कथा मैं आपको अगले वीडियो में लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा, क्योंकि 14 मनु अलग अलग थे, 14 मनु कौन किसका पुत्र था और किस कारण से वो मनु बने थे, इसका वीडियो मैं आपको अगले वीडियो में लेकर के आऊंगा। और इस वीडियो में तो मैं आपको 14 मनुओं के नाम और वर्तमान समय में चल रहे कल्प का नाम लेकर के उपस्थित हुआ हूँ, और वर्तमान समय में 12 कल्प चल रहा है, और 12 कल्प में भी 7वां मन्वंतर चल रहा है वैवस्त मन्वंतर, और उसके जो अधिपति हैं वो वैवस्त मनु हैं। तो ये कुछ काल गणना से संबंधित मैंने आपको फैक्ट बताए, तथ्य बताए, और कल के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस मन्वंतर में कौन मनु बना था और उसने क्या ऐसा पुण्य कर्म किया जिसके कारण वो मनु बने थे। तो श्रोताओं उम्मीद करता हूं आपको ये जानकारी अवश्य ही पसंद आई होगी। इसी के साथ अब ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।